हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सामरा सक्सेस सीडीज एजुकेशन से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम अपने गद्य भाग से पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ 12 में लीलाधर मंडलोई की एक कथा दी गई है जिसका शीर्षक है तंतारा वामीरो कथा। इस कथा में लेखक ने तंतारा और वामीरो की प्रेम कथा का वर्णन किया है। इस प्रेम कथा का अंत बहुत दुखदायी होता है और इस प्रेम कथा में क्या क्या होता है, कैसे कैसे तंतारा वामीरो पारंपरिक रीति रिवाजों का सामना करते हैं और अंत में क्या होता है, ये सब हम इस कथा में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तंतारा वामीरो कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जो ये कहानी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अंडमान द्वीप समूह है उसका अंतिम कहा जाता है आखिरी को, कि जो उसका आखिरी दक्षिणी द्वीप है उसका नाम है लिटिल अंडमान। और जो ये लिटिल अंडमान है वो पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। उस पोर्ट ब्लेयर से ये लिटिल अंडमान जो है वो लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। तो जो लिटिल अंडमान है उसके बाद जो है निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला कहा जाता है सीमा को, कि लिटिल अंडमान के बाद निकोबार द्वीप समूह की सीमा आरंभ हो जाती है, यानी लिटिल अंडमान के बाद जो है निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। और जहाँ से निकोबार द्वीप समूह की सीमा आरंभ होती है वो स्थान जो है निकोबारी जो जनजाति है उसकी आदिम कहा जाता है प्राचीन को, पुराने को। जो निकोबारी जनजाति है उसकी आदिम यानी प्राचीन संस्कृति का केंद्र है कौन सा, जो लिटिल अंडमान के बाद निकोबार द्वीप समूह की जो सीमा आरंभ हो रही है वहाँ पर जो निकोबारी जनजाति रहती है। निकोबार जो द्वीप समूह है उसका जो पहला द्वीप आता है उसका नाम रखा है कार निकोबार। और जो ये कार निकोबार है वो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। अब निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। जो निकोबारी द्वीप समूह के निवासी हैं उनका विश्वास है कि प्राचीन काल में, कि बहुत पहले जो है ये दोनों द्वीप, कौन से दोनों द्वीप, कार निकोबार और लिटिल अंडमान, कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार ये दोनों जो है एक ही थे, आपस में जुड़े हुए थे। इनके विभक्त कहा जाता है अलग अलग होने को, कि इन दोनों द्वीप के अलग अलग होने की एक लोक कथा कहा जाता है जो लोगों द्वारा कही गई प्रचलित कहानियाँ होती है जो पुराने समय से चली आ रही होती है, जिस पर लोग विश्वास करते हैं। तो जो निकोबारी हैं वो विश्वास रखते हैं एक लोक कथा में, कि एक लोक कथा है जिसके अनुसार बताया जाता है कि कार निकोबार और लिटिल अंडमान जो है वो किस तरह से अलग अलग हुए हैं। वो लोक कथा आज भी दोहराई जाती है, आज भी कही जाती है या मानी जाती है। तो उस कथा को हम आरंभ करते हैं कि वो कौन सी कथा है जो निकोबारी विश्वास रखते हैं इन दोनों द्वीपों के अलग होने में। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। सदियों पूर्व की बात कहते हैं, सदियों पूर्व कहा जाता है बहुत पुराने समय पहले। तो जो बहुत समय पहले की बात बताते हैं उस समय की, जब जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो है आपस में जुड़े हुए थे, जब ये दोनों एक ही द्वीप थे, तब कहा जाता है कि वहाँ पर एक सुंदर सा गाँव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था तंतारा। निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता।
अब उस गांव में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था जिसका नाम तंतारा बताया जाता है। और जो निकोबारी हैं, जो निकोबार के निवासी हैं, वो उस तंतारा से बेहद प्रेम करते थे, वे उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब वो उससे बेहद प्रेम क्यों करते थे? क्योंकि जो तंतारा है वो एक नेक, नेक कहा जाता है भला, जो सबका भला करता है। और जो तंतारा है वो मददगार व्यक्ति था, अर्थात वो दूसरों की मदद करता था हर समय, सदैव, सदैव होता है हमेशा। वो हमेशा ही जो है दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर, तत्पर कहा जाता है तैयार को। वो हमेशा जो है दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, चाहे उसे किसी भी समय क्यों ना जाना पड़े। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। जो तंतारा है वो अपने गांव वालों की सहायता तो करता ही था, लेकिन वो अपने गांव वालों के साथ साथ समूचे, समूचा कहा जाता है सारे को, यानी वो सारे जो द्वीपवासी हैं जो उस समय के उस द्वीप पर रहते थे, उनकी सेवा करना परम कर्तव्य समझता था, फिर चाहे वो उसके गांव के हो या किसी दूसरे गांव में रहने वाले क्यों ना हो। कोई भी उसे सहायता के लिए बुलाता वो तुरंत वहां पर पहुंच जाता था, इसीलिए सारे जो है द्वीपवासी उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। अब जो तंतारा है उसके इसी त्याग की वजह से कि वो सबके लिए हमेशा तैयार रहता था, जब भी उसे बुलाया जाता वो हमेशा दूसरों की सहायता के लिए किसी भी वक्त पहुंच जाता, उसी वजह से जो है तंतारा चर्चित, चर्चित कहा जाता है प्रसिद्ध या मशहूर को। जो तंतारा है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था, मशहूर हो गया था, सभी जो है उसका आदर करते थे। और जब भी किसी भी वक्त जो है किसी को भी मुसीबत पड़ जाती, किसी को भी उसकी याद आती कि हमें तंतारा की आवश्यकता है किसी काम के लिए, उसे स्मरण किया जाता, स्मरण कहा जाता है याद करने को। जब भी कोई उसे याद करता मदद के लिए तो तंतारा जो है भागा भागा उसकी सहायता करने के लिए वहाँ पहुँच जाता था। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। अब अपने गांव में तो तंतारा प्रसिद्ध था ही, लेकिन दूसरे गांव में भी जब पर्व होते थे, त्योहार होते थे, तो उस समय भी उसे विशेष, विशेष कहा जाता है मुख्य रूप से जो है आमंत्रित, आमंत्रित अर्थात बुलाना, तंतारा को मुख्य रूप से बुलाया जाता था, आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व, व्यक्तित्व कहा जाता है आपकी पर्सनैलिटी को, जो उसकी पर्सनैलिटी थी, जो उसका व्यक्तित्व था, वो आकर्षक तो था ही, लोग उसको देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। साथ ही साथ उसका स्वभाव कैसा था? आत्मीय, आत्मीय कहा जाता है अपने को, कि उसका जो स्वभाव था वो अपनेपन का था, यानी वो दूसरों के साथ अपनों के जैसा व्यवहार करता था। उसी की वजह से जो है लोग उसके करीब रहना चाहते थे, उसके साथ रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। तंतारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता। पारंपरिक पोशाक होती है जो आपकी कल्चरल ड्रेस होती है, तो जो उसकी कल्चरल ड्रेस थी, निकोबारियों की जो पारंपरिक पोशाक थी, उसके साथ साथ जो तंतारा है वो अपनी कमर में सदैव हमेशा जो है एक लकड़ी की तलवार को बांधे रखता था। अब लोगों का मानना था कि बावजूद लकड़ी के होने पर भी उस तलवार में अद्भुत, अद्भुत यानी अनोखी दैवीय शक्ति थी, यानी जो लोग हैं वो ये मानते थे कि जो तंतारा की वो तलवार है वो भले ही लकड़ी की है, लेकिन उसमें अनोखी दैवीय शक्तियाँ हैं। और जो तंतारा है वो भी अपनी उस तलवार को कभी अपने से अलग नहीं होने देता था, हमेशा उसे अपनी कमर में बांध कर रखता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी।
अब तंतारा ने दूसरों के सामने उस तलवार का कभी उपयोग नहीं किया था, लेकिन फिर भी लोग ये मानते थे उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण। साहसिक कारनामे होता है साहस से पूर्ण जो उसके कार्य थे, उनके चलते जो है लोग ये मानते थे कि उस तलवार में अद्भुत शक्तियां हैं। और तंतारा की जो तलवार है वो एक विलक्षण, विलक्षण कहा जाता है जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला, और रहस्य कहा जाता है राज को जिसको कोई ना जानता हो। अब तंतारा की जो तलवार है, ना तो तंतारा उस तलवार को अपने से अलग करता था, ना दूसरों के सामने उसका उपयोग करता था, फिर भी लोग मानते थे कि उसमें दैवीय शक्ति है। तो इस कारण से जो तंतारा की वो तलवार है वो दूसरों के सामने राज बन गई थी, कोई नहीं जानता था कि उसका रहस्य क्या था, और सभी को जो है जिज्ञासा थी ये मानने की कि उस तलवार में ऐसा क्या है। तो इसलिए जो तंतारा की तलवार है वो एक ऐसा राज बन गई थी कि लोग जानना चाहते थे उस तलवार के बारे में। एक शाम तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था, समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। अब एक शाम को जो है तंतारा अपने दिन भर के अथक, अथक कहा जाता है कठोर को, अपने कठोर परिश्रम के बाद जो है समुद्र के किनारे टहलने को निकल पड़ा, घूमने को निकल पड़ा था। सूरज जो है समुद्र से लगे क्षितिज, क्षितिज कहा जाता है जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जहाँ आपको ये लगे कि वहाँ पर धरती और आसमान जो है आपस में मिल रहे हैं, तो उस जगह को कहा जाता है क्षितिज। तो सूरज जो है समुद्र से लगे हुए क्षितिज पर जो है डूबने को था, यानी जो सूरज है वो डूबने वाला था, शाम होने वाली थी। और समुद्र से जो है ठंडी बयारें, बयारें कहा जाता है हवाओं को, समुद्र जो है वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें शनई शनई क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था, विचार मग्न तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। अब शाम के समय जो पक्षी हैं उनकी जो चहचहाटें होती हैं वो जो है धीरे धीरे क्षीण यानी कम होने लग गई थी, और तंतारा का मन जो है वो बिल्कुल शांत था। विचार मग्न, विचार मग्न होता है विचारों में खोया हुआ, अपने ही विचारों में तंतारा जो है खोया हुआ था, और समुद्री बालू पर बैठकर जो है सूर्य की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहार रहा था। निहारना कहा जाता है देखने को, जो तंतारा है वो समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और समुद्र पर जो सूरज की रंग बिरंगी किरणें फैल रही हुई थी उन्हें देख रहा था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया, गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। अब जब जो तंतारा है वो अपने विचारों में मग्न था, अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी कहीं पास से उसे कुछ मधुर गीत जो है वो गूंजता हुआ सुनाई दिया, उसे कहीं से अच्छा संगीत सुनाई दे रहा था। अब गीत जो है ऐसा लग रहा था मानो तंतारा की ओर बहता हुआ आ रहा हो, और उस गीत के बीच बीच में तंतारा को लहरों का संगीत सुनाई दे रहा था। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा, लहरों के एक प्रबल वेग से उसकी तंत्रा भंग हुई। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। गायन कहा जाता है गीत को, जो गीत उसे सुनाई दे रहा था वह इतना प्रभावी था, इतना अच्छा था कि जो तंतारा है वो अपनी सुध-बुध, सुध-बुध कहा जाता है होश हवास को, कि जो तंतारा है वो अपना होश हवास खो रहा था उस गीत को सुनते हुए, और लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा, तंद्रा कहा जाता है नींद आने से पहले की अवस्था को, कि गीत सुनते हुए वो इतना होश आवाज खो गया था कि ऐसा लग रहा था कि उसे नींद आने वाली है, लेकिन लहरों के एक प्रबल वेग ने जो है उसकी उस अवस्था को भंग कर दिया, उसे जगा दिया। चैतन्य कहा जाता है होश में आने को, और जैसे ही जो तंतारा वो होश में आया, उसने होश में आते ही वो उस दिशा में बढ़ने को विवश, विवश कहा जाता है मजबूर, उस दिशा में बढ़ने को मजबूर हो गया जहाँ से अभी भी जो है गीत के स्वर उसे सुनाई दे रहे थे।
वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। विकल कहा जाता है बेचैन को। अब जो तंतारा है वो बेचैन सा उस तरफ बढ़ता जा रहा था जहां से गीत के स्वर उसे सुनाई दे रहे थे। अंततः उसे जो है एक युवती नजर आती है, एक लड़की नजर आती है जो ढलती हुई शाम की सौंदर्य को, जो ढलती हुई शाम की सुंदरता को बेसुध, बेसुध होता है जिसे किसी की खबर ना हो, वो ऐसी दशा में एक टक जो है समुद्र की देह पर जो डूबते हुए सुंदर आकर्षक रंग थे उनको निहारते हुए गा रही थी, उनको देखते हुए जो है गीत गा रही थी। और ये एक श्रृंगार गीत था, यानी एक प्रेम भरा गीत था। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो दिया। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। अब जो वो युवती है उसको ये पता ही नहीं चला कि कोई अजनबी युवक जिसे वो नहीं जानती है, कोई ऐसा युवक जो है उसे निशब्द, निशब्द कहा जाता है जो कुछ ना बोल रहा हो, इस तरह से उसे ताके जा रहा है, उसे देखता जा रहा है। तभी जो है एक ऊंची लहर उठी और उस युवती को भिगो दिया। अब जो युवती है वो हड़बड़ाहट में गाना भूल गई क्योंकि वो बेसुध होकर गा रही थी, बिना किसी की परवाह करके गा रही थी। और जैसे ही लहर उठी उसे भिगोया तो वो हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। अब इससे पहले कि वो युवती अपने आप को सामान्य कर पाती या पहले की अवस्था में हो पाती, उसके कानों में एक गंभीर गूंजती हुई आवाज़ आई जो बहुत ही आकर्षक लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब वो आवाज़ क्या थी, क्या उसके कानों में सुनाई पड़ा कि तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, तंतारा ने विनम्रतापूर्वक पूछा। जो वो युवती है उसके कानों में किसकी आवाज़ गूंजी, तंतारा की, वो भी विनम्रतापूर्वक, यानी तंतारा ने प्रेम पूर्वक जो है उस युवती से कहा कि तुमने अचानक से इतना सुंदर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई, उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को सहत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। अब अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह युवती जो है विस्मित, विस्मित कहा जाता है आश्चर्यचकित हो गई, यानी वह हैरान हो गई कि उसके सामने एक सुंदर युवक खड़ा है और वह उससे बात कर रहा है। उस युवती के अंदर जो है एक कोमल भावना का संचार हुआ, यानी उस युवती के भीतर जो है एक प्यार की भावना बहने लगी। परंतु जो है उस युवती ने अपने आप को संयत कर कहा जाता है संभाल कर जो है बेरुखी के साथ, बेरुखी होता है नाराज़गी के साथ जो है उसने तंतारा की इस प्रश्न का जवाब दिया। उसने क्या जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। अब जो युवती है वो कहती है कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और इस तरह से मुझे क्यों घूर रहे हो और इस तरह से असंगत होता है अनुचित प्रश्न पूछने का क्या कारण है। अपने गांव के अलावा जो है मैं किसी दूसरे युवक को किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य होता है विवश होना, कि मैं किसी भी दूसरे गांव के युवक को जो है उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश नहीं हूँ, यह तुम भी जानते हो। तो यहाँ पर युवती सीधे सीधे उसे नाराज़गी के साथ कह रही है कि तंतारा भी जानता है कि वो जो है अपने गांव के अलावा किसी दूसरे गांव के किसी भी युवक के प्रश्न का उत्तर दे या ना दे ये उस पर निर्भर करता है। तंतारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। अब यहाँ पर देखिए जो तंतारा है वो अभी भी सुध-बुध यानी अपने होश आवाज खोए हुए है। उसने उस युवती का जवाब ही नहीं सुना बल्कि उस युवती के प्रश्न का जवाब देने के स्थान पर जो है उसने पुनः जो है फिर से अपना ही प्रश्न दोहराया कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ और अपना गीत पूरा करो। और उसकी प्रशंसा में कहता है कि तुमने सचमुच बहुत ही सुरीला, बहुत ही मीठा
कंठ होता है गला, बहुत ही सुरीला गला पाया है, यानी तुम बहुत सुंदर गाती हो। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो, लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। अब जो युवती है वो उससे कहती है कि जो मैंने तुमसे प्रश्न किया था ये तो उसका उत्तर नहीं है, और तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि जो युवती है वो लपाती गांव की है, और युवती कहती है कि लपाती गांव में उसने उस युवक को कभी पहले नहीं देखा। तंतारा मानो सम्मोहित था, उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। अब यहाँ देखिए, जो तंतारा है वो मानो सम्मोहित होता है, मुग्ध किया हुआ, यानी जो तंतारा है वो उस युवती के गाने को सुनकर सम्मोहित हो गया था, मुग्ध हो गया था। उसे किसी चीज़ का पता नहीं था, उसके कानों में युवती की जो आवाज़ है वो पहुँच ही नहीं रही थी। और उसने फिर से वही विनय की, विनय होता है प्रार्थना करना, कि तंतारा ने फिर से प्रार्थना की कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, तुम अपने गाने को पूरा करो। युवती झुंझला उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े शब्दों में कहा। अब जो युवती है वो झुंझला होता है चिढ़ना, जो युवती है वो चिढ़ गई। वह कुछ सोचने लगी और फिर उसने अंत में निश्चयपूर्वक एक बार फिर से जो है लगभग बहुत ज़्यादा विरोध करते हुए कड़े शब्दों में, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में जो है तंतारा से कहा। उसने क्या कहा, ढीठता की हद है, मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों, क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम। ढीठता होता है दुस्साहस। युवती कह रही है तंतारा से कि दुस्साहस की हद होती है कि मैं तुमसे कब से तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो, लपाती गांव में तुम्हें नहीं देखा है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, और तुम जो हो एक ही राग अलाप रहे हो। राग अलापना होता है अपनी ही बात कहते जाना, कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो, बस अपनी ही बात कहते जा रहे हो कि गीत गाओ गीत गाओ। आखिर मैं क्यों गीत गाऊँ, और क्या तुम्हें जो है गाँव के नियम का नहीं मालूम कि गाँव का क्या नियम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ गांव का एक नियम जो है वो सिद्ध होता है कि जो एक गांव है वो दूसरे गांव के साथ जो है संबंध नहीं रखता है। एक गांव की जो युवती है वो दूसरे गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विवश नहीं है, यानी जो एक गांव है वो दूसरे गांव के साथ संबंध स्थापित नहीं करता है। तो यहाँ पर वो यही बता रही है कि क्या तुम्हें गाँव के नियम नहीं मालूम जो तुम इस तरह से मुझसे प्रश्न किए जा रहे हो। इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंतारा को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। अब जो युवती है वो इतना कहकर जो है तेजी से मुड़ गई, और उस वक्त जो है तंतारा को मानो कुछ होश आया, उसे अब जाके होश आया जब जो युवती है वो जाने के लिए तेजी से अपने घर की ओर मुड़ गई। अब जो है तंतारा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस युवती का रास्ता रोक लिया और मानो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा हो। वो कैसे गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो, तंतारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। जब तंतारा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो जो है उस युवती से माफ़ी मांगने लगा। तंतारा ने विवशता, विवशता होता है लाचारी, उसने लाचारी के साथ आग्रह किया। उसकी जो आंखें हैं वो युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, यानी जो तंतारा है वो युवती के चेहरे को देखता जा रहा था, और उसके चेहरे पर, तंतारा के चेहरे पर सच्ची विनय थी, सच्ची प्रार्थना थी। और वो क्या प्रार्थना कर रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, और उसने ये भी बताया कि जीवन में पहली बार वह जो है इस तरह से विचलित, विचलित होता है अस्थिर हुआ है, यानी पहली बार उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि वो इस तरह से व्यवहार कर रहा है। तंतारा ने बताया कि उस युवती को देखकर वह अपनी चेतना भूल गया था, और तंतारा कहता है कि वह उसका रास्ता छोड़ देगा, बस वह उसे अपना नाम बता दे। यहाँ पर तंतारा जो है युवती का रास्ता रोके हुए खड़ा है,
और उससे आग्रह कर रहा है, उससे प्रार्थना कर रहा है कि वह जो है उसे उसका नाम बता दे। वामीरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। अब जो तंतारा है, जब उसने उस लड़की से कहा, उस युवती से कहा कि वो उसका रास्ता छोड़ देगा, सिर्फ जो है वह उसको नाम बता दे, तो वो बताती है वामीरो। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ, तंतारा ने याचना भरे स्वर में कहा। याचना होता है प्रार्थना। जब तंतारा को उसका नाम पता चला, जब युवती ने बताया वामीरो उसका नाम है, तो तंतारा जो है दो बार दोहराते हुए कि वामीरो, वामीरो, वो कहता है कि कितना सुंदर नाम है। और तंतारा जो है याचना भरे, प्रार्थना भरे शब्दों में उससे पूछता है कि क्या वह कल भी वहाँ पर आएगी। यानी तंतारा उससे पूछ रहा है कि क्या वह कल भी वहाँ उस समुद्र के किनारे आने वाली है। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अनय मनसकता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे तंतारा के वाक्य गूंज रहे थे। अब जो वामीरो है, जब तंतारा ने वामीरो से कहा कि क्या वह कल फिर से इस समुद्र के किनारे आएगी, तो वामीरो ने अनय मनसकता पूर्वक होता है बिना सोचे समझे, तो वामीरो ने बिना सोचे समझे कह दिया कि नहीं, शायद कभी नहीं, और झटके के साथ जो है वामीरो अपने लपाती गांव की तरफ मुड़ी और बेसुध सी होता है जिसे किसी की परवाह ना हो, वो बेसुध सी यानी जिसे किसी की परवाह ना हो, वैसे जो है अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ी। और पीछे से जो है तंतारा के कुछ वाक्य गूंज रहे थे, यानी अभी भी तंतारा कुछ बोल रहा था। और वो क्या बोल रहा था, वामीरो मेरा नाम तंतारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोऊंगा, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई, तंतारा उसे जाते हुए निहारता रहा। अब जो तंतारा है वो पीछे से आवाज़ दे रहा था कि वामीरो मेरा नाम तंतारा है, मैं कल जो है इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारी बाट जोऊंगा। बाट जोना होता है रास्ता देखना, कि वो उसका रास्ता देखेगा, उसकी प्रतीक्षा करेगा। और वो वामीरो से कहता है कि ज़रूर आना। वामीरो नहीं रुक रही थी और वो भागती जा रही थी, तंतारा उसे उस तरह से भागते हुए जाते हुए देख रहा था, निहार रहा था, निहारना होता है देखना। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैन महसूस करने लगी, उसके भीतर तंतारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। अब जब वामीरो अपने घर पहुंची, तो उसने अपने भीतर ही भीतर जो है कुछ बेचैनी महसूस की, और उसने अपने भीतर ही जो है तंतारा से मुक्त होने की, तंतारा से छुटकारा पाने की एक झूठी छटपटाहट देखी। यानी उसे एक झूठी घबराहट थी, जो घबराहट उसे नहीं हो रही थी, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो तंतारा से मुक्त हो गई है, वो खुश थी। एक झल्लाहट, झल्लाहट होता है बौखलाहट में, कि एक बौखलाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर अपने मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। प्रयास होता है कोशिश करना। बार बार तंतारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने तंतारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी, उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही तंतारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत और भोला। बार बार जो वामीरो है उसके सामने तंतारा का वो याचना भरा, यानी वो प्रार्थना भरा चेहरा जो है सामने आ रहा था, उसकी आंखों के सामने उसे तंतारा का वही चेहरा दिख रहा था जब तंतारा जो है उससे वहाँ वापस आने की प्रार्थना कर रहा था। उसने उससे पहले भी जो है तंतारा के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी, क्योंकि जो तंतारा है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रखा था अपनी अच्छी बातों के कारण। उसकी कल्पना में, उसकी आशाओं में जो तंतारा है वो एक बहुत ज़्यादा साहसी युवक था, किंतु वही तंतारा, मतलब जिसे वो बहुत ज़्यादा साहसी मान रही थी अपनी कल्पनाओं में, वो उसके सम्मुख, सम्मुख होता है सामने, वो जब उसके सामने आया तो उसने उस तंतारा का एक अलग ही रूप देखा। कैसा? उसने उसे पाया कि वो सुंदर है, बलिष्ठ है, बलिष्ठ होता है बलवान। उसने देखा कि वो सुंदर भी है, बलिष्ठ भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा सभ्य है और बहुत ज़्यादा भोला है।
उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अब जो तंतारा है, उसका जो व्यक्तित्व था, उसकी जो पर्सनैलिटी थी, वो वैसी ही थी जैसा वामीरो जो है अपने जीवन साथी के बारे में सोचा करती थी कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। तंतारा बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन जो है वो तंतारा दूसरे गांव का युवक था और दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध जो है परंपरा, परंपरा है रीति रिवाज, रीति रिवाजों के विरुद्ध था कि जो रीति रिवाज हैं उनके अनुसार एक गांव का युवक दूसरे गांव की युवती के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता था, विवाह नहीं कर सकता था। इसलिए जो है ये संभव नहीं था कि तंतारा जो है वामीरो से विवाह कर पाए, अतएव उसने इसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। तंतारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। अब जब वामीरो जानती थी कि परंपरा के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार तंतारा और वामीरो का जो संबंध है वो संभव नहीं है, तो उसने उसे भूल जाना ही श्रेयसर, श्रेयसर होता है कल्याणकर समझा, यानी उसने ये सोचा कि जब हमारा संबंध हो ही नहीं सकता तो कल्याण इसी में है, सबका भला इसी में है कि वह तंतारा को भूल जाए। परंतु यह असंभव जान पड़ा, परंतु जो है वामीरो तंतारा को नहीं भूल पा रही थी। तंतारा जो है बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता था, निर्निमेष, निर्निमेष होता है बिना पलक झपकाए। उसे तंतारा ऐसे दिखाई देता था जैसे तंतारा जो है बिना पलकों को झपकाए जो है उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसका इंतजार कर रहा है उस चट्टान पर। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे, किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा, शाम की प्रतीक्षा थी। अब किसी तरह से वो रात बीत गई और दोनों के, तंतारा और वामीरो, दोनों के जो हृदय थे वो व्यथित थे, व्यथित होता है अप्रसन्न, यानी वो खुश नहीं थे। किसी तरह से आँच रहित होता है बिना गर्मी का, जो दिन था वो उन्हें बिना गर्मी का लग रहा था, एक ठंडा सा और उबाऊ, उबाऊ होता है बेकार, उन्हें जो दिन है वो बेकार लग रहा था और किसी तरह से वो अपना वो दिन गुजार रहे थे, उन्हें शाम की प्रतीक्षा थी। तंतारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। अब जो तंतारा है उसके लिए तो मानो पूरे जीवन की ये बहुत बड़ी और अकेली प्रतीक्षा थी, क्योंकि उसका जो जीवन था वो गंभीर और शांत था और ऐसे जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वो अचंभित था, अचंभित होता है आश्चर्यचकित था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा हैरान था और साथ ही साथ रोमांचित भी था, यानी उसे आनंद भी आ रहा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुँच गया। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। अभी दिन ढला भी नहीं था, शाम हुई भी नहीं थी कि जो तंतारा है वो पहले ही लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया था जहां उसने वामीरो से प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। अब वो वामीरो की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वो इंतज़ार उसे एक एक पल भी पहाड़ की तरह भारी लग रहा था, यानी उससे इंतज़ार नहीं हो पा रहा था और उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर वामीरो ना आई तो। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। अब तंतारा के भीतर जो है एक आशंका, आशंका होता है शक, अब तंतारा के अंदर एक शक भी था। अब उस शक क्या था कि वामीरो ना आई तो, यानी उसे ये शक था कि अगर वामीरो ना आई तो क्या होगा। कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, यानी वो ये नहीं सोच पा रहा था कि वामीरो आएगी या नहीं आएगी। वो केवल प्रतीक्षारत था, यानी इंतज़ार में तत्पर था, वो सिर्फ इंतज़ार कर सकता था कि वामीरो आएगी या नहीं आएगी। बस आस की एक किरण, आस होता है उम्मीद, सिर्फ जो है तंतारा को उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती हुई उन किरणों की तरह थी जो कभी भी डूब सकती थी,
यानी शाम के समय जब सूरज की किरणें समुद्र पर पड़ रही होती है तो वो किसी भी समय जो है डूब सकती है। उसी तरह उसकी वो उम्मीद की किरण थी, यानी उसे थोड़ी सी उम्मीद थी कि वामीरो जरूर आएगी, लेकिन ये आस की किरण कैसी थी? समुद्र में डूबती हुई किरणों की तरह थी जो कभी भी डूब सकती थी, यानी उसे भरोसा नहीं था, उसे थोड़ा सा शक था। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नज़र दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, सचमुच वह वामीरो थी। वो बार बार जो है लपाती गांव के रास्ते पर नज़र दौड़ाता रहता था। सहसा, सहसा होता है अचानक, अचानक जो है उसे नारियल के झुरमुटों, झुरमुटों होता है झुंड, नारियल के पेड़ों के जो झुंड थे उसमें से एक आकृति दिखाई दी, यानी उसे वहाँ कुछ दिखाई दिया। जैसे जैसे वो आकृति नज़दीक आ रही थी उसे वो आकृति कुछ साफ दिखाई दे रही थी, फिर और कुछ साफ और कुछ साफ, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वो सचमुच कौन थी, वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी, वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना नहीं भूलती। फिर तेज़ कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। अब वामीरो को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो घबराहट में है, वो घबराई हुई है। वह अपने आप को छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी और बार बार इधर उधर अपनी दृष्टि दौड़ाना वो नहीं भूल रही थी, यानी वो इधर उधर देखती जा रही थी कि कहीं कोई उसे देख ना ले। और बहुत ज़्यादा तेज़ कदमों से चलती हुई वो तंतारा के सामने आकर ठिठक गई, यानी रुक गई। दोनों जो है शब्दहीन, शब्दहीन होता है कुछ ना बोल सकने वाला, यानी दोनों जो है कुछ नहीं बोल रहे थे, दोनों जो है एक दूसरे के सामने खड़े थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र लहरों में कहीं खो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तंतारा अभी भी वहीं खड़ा था, निश्चल शब्दहीन। अब उन दोनों के अंदर कुछ तो था जो बह रहा था, वो एकटक दृष्टि से, एकटक होता है जो बिना पलक झपकाए हुए निहारना होता है, देखना, कि वो बिना पलक झपकाए हुए एक दूसरे को देख रहे थे और पता नहीं कब तक खड़े रहे। उन्हें ध्यान भी नहीं रहा कि जो सूरज है वो समुद्र की लहरों में कहीं खो गया है, यानी शाम हो गई है और अंधेरा बढ़ रहा है। तभी जो है अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई, यानी वामीरो को होश आया कि अंधेरा बढ़ रहा है, और वो अचानक जो है घर की तरफ दौड़ पड़ी। तंतारा अभी भी वहीं पर खड़ा था, निश्चल, निश्चल होता है जो अपने स्थान से नहीं हटे, यानी वो अपने स्थान पर ही खड़ा था और शब्दहीन था अभी भी, यानी कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा था। दोनों रोज उसी जगह पहुँचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेश ताकते रहते, बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। अब तंतारा और वामीरो जो है रोज उसी जगह पर पहुंचते और मूर्तिवत, मूर्तिवत होता है मूर्ति की तरह एक दूसरे को निर्निमेश एक टक दृष्टि से देखते रहते। तंतारा और वामीरो जो है मूर्ति की तरह खड़े रहते, मतलब ना वो दोनों एक दूसरे से बात करते, सिर्फ वहाँ पर आते, एक दूसरे के सामने खड़े होते और एक टक दृष्टि से, यानी बिना पलक झपकाए हुए एक दूसरे को देखते रहते। बस उनके भीतर जो समर्पण था अनवरत, यानी जिसे कोई रोक ना सके, उनके अंदर ऐसा कुछ समर्पण था और वो जो है लगातार बढ़ रहा था, लगातार गहरा होता जा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाती गांव की थी और तंतारा पासा का। दोनों का संबंध संभव ना था, रीति के अनुसार दोनों को एक ही गाँव का होना आवश्यक था। अब जब तंतारा और वामीरो एक दूसरे से रोज इस तरह से मिलने लगे तो लपाती गांव के कुछ युवकों ने जो है इस मूक प्रेम को, जो बोला नहीं जा सकता, जिसे समझाया नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता, वैसे प्रेम को जो है उन्होंने भांप लिया, उन्होंने जान लिया, और जो ये खबर है वो हवा की तरह हर जगह फैलने लगी। वामीरो जो है वो लपाती गाँव की थी और जो तंतारा है वो पासा गाँव का था।
अब दोनों का संबंध जो है वो संभव नहीं था। यहाँ देखिए, यहाँ स्पष्ट हो गया है कि रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था, कि जो रीति रिवाज है उनके अनुसार तंतारा और वामीरो को एक ही गांव का होना चाहिए था, तब जो है उनका संबंध स्थापित हो सकता था। लेकिन तंतारा दूसरे गांव का था और वामीरो दूसरे गांव की थी, इसलिए जो है उनका संबंध स्थापित नहीं हो सकता था। वामीरो और तंतारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही। तंतारा और वामीरो को जो है सभी ने बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास किया कि उन दोनों का संबंध नहीं स्थापित हो सकता है, किंतु दोनों जो है अडिग रहे। अडिग होता है डटे रहना, अपने प्रेम पर डटे रहे। वे उसी तरह से नियमतः, नियमतः होता है नियम के अनुसार, उनका नियम बना हुआ था कि शाम होगी और दोनों वहाँ समुद्र किनारे मिलेंगे। वे उसी तरह से नियम के अनुसार लपाती के उसी समुद्री तट पर मिलते रहे। अफवाहें होता है उड़ती हुई खबरें, वो जो खबरें थी वो उड़ती रही और हर जगह फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। अब कुछ समय के बाद जो है पासा गांव में, यानी तंतारा के गांव में जो है पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व में जो है हष्टपुष्ट, हष्टपुष्ट होता है हट्टे कट्टे जो पशु होते हैं उनका प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन होता है दिखाना, उनको जो है दिखाया जाता है। और उसके अतिरिक्त उन पशुओं को दिखाने के साथ साथ ही उन हट्टे कट्टे पशुओं के साथ जो है युवकों का शक्ति प्रदर्शन भी होता है। यानी उन पशुओं के साथ जो है युवकों को भिड़ाया जाता है और देखा जाता है कौन कितना ज्यादा शक्तिशाली है। ये जो है प्रतियोगिता भी रखी जाती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम को सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। अब जो ये कार्यक्रम है वो साल में एक बार जरूर होता है और उसमें सभी गांव के लोग जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। उसके बाद जो है नृत्य संगीत होता है, भोजन का आयोजन भी किया जाता है। उसी समारोह के लिए जो है शाम को सभी लोग, सभी गांव के लोग जो है पासा में एकत्रित होने लगे, इकट्ठे होने लगे और धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गए थे। तंतारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक ना था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। अब जो तंतारा है उसी के गांव में ये आयोजन हो रहा था, लेकिन तंतारा का जो मन है वो इन कार्यक्रमों में तनिक, तनिक होता है थोड़ा, यानी वो कार्यक्रमों में उसका मन थोड़ा सा भी नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि उसकी व्याकुल आंखें, व्याकुल होता है परेशान, उसकी जो परेशान आंखें हैं वो वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। वो वामीरों को ढूंढ रहा था। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी। अब नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे उसे कुछ ऐसा लगा जैसे कोई झांक रहा हो और उसने थोड़ा और ज़्यादा नज़दीक जाकर उसे पहचानने की कोशिश की कि कौन वहाँ से झांक रहा है। उसने ऐसी चेष्टा की, चेष्टा होता है कोशिश करना। वो वामीरो थी, वह जो है डर के कारण, भयवश होता है डर के कारण जो है सामने नहीं आ रही थी। वो सामने आने से झिझक रही थी, घबरा रही थी। उसकी आँखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। तंतारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। तंतारा विहल गया, उसने उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। अब जब तंतारा ने वामीरो को देखा तो उसने पाया कि वामीरो की जो आंखें हैं वो तरल थी, यानी वो नमी से भरी हुई थी, और वामीरो के जो होंठ थे वो कांप रहे थे। और तंतारा को देखते ही वामीरो जो है फूट फूट कर रोने लगी, यानी जोर जोर से रोने लगी। तंतारा विहल गया, विहल होता है भावुक होना। जो तंतारा है वो भी उसे ऐसा रोता हुआ देखकर जो है भावुक हो गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे कुछ बोलने में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। तंतारा किम कर्तव्य विमूढ़ था। वामीरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा।
अब जो वामीरो है उसकी जो रोने की आवाज़ है वो लगातार बढ़ रही थी, वो लगातार ऊंची होती जा रही थी। और जो तंतारा है वो किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़ होता है दुविधा भरी स्थिति। जो तंतारा था वो दुविधा भरी स्थिति में था, यानी वो वामीरो को चुप नहीं करा पा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वामीरो के जो रुदन स्वर हैं, वामीरो की जो रोने की आवाज़ें हैं, उसे सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची, यानी वामीरो की माँ वहाँ पर पहुँच गई। और तंतारा और वामीरो को दोनों को देखकर जो है वो आग बबूला हो गई। आग बबूला होना जो है एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक क्रोधित होना। यानी जो वामीरो की माँ है, जब उसने तंतारा और वामीरो को एक साथ देखा तो वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गई, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई, क्योंकि सारे गांव वालों के सामने जो है इस तरह का दृश्य देखकर उसे अपमानजनक लगा। क्योंकि एक गांव का लड़का जो है दूसरे गांव की लड़की के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता था, और उन दोनों को एक साथ देखकर जो है उसकी माँ को ये लगा कि सारे गांव वालों के सामने उनकी बेइज्जती हो गई है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच गए। वामीरो की माँ क्रोध में उफन उठी, उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे। अब जब वामीरो की माँ वहाँ आई और बहुत गुस्से में थी, तो उसी के साथ साथ वहाँ पर गांव के कुछ और लोग भी आ गए। वामीरो की माँ जो है वो और ज़्यादा क्रोध में उफन गई, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। उसने जो है तंतारा को बहुत ज़्यादा गलत बोला और उसका अपमान करने लग गई। गांव के लोग भी जो है वो तंतारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे, यानी वो भी तंतारा के खिलाफ बोलने लगे, क्योंकि वो रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा मानते थे और रीति रिवाजों के अनुसार तंतारा जो है दूसरे गाँव की लड़की के साथ बात नहीं कर सकता था। और उन दोनों को साथ में देख कर लोग भी जो है तंतारा के खिलाफ होने लगे। यह तंतारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी, तंतारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खीज। अब जब गांव वाले तंतारा के खिलाफ बोलने लगे, तो तंतारा के लिए ये सब असहनीय था, यानी तंतारा के लिए ये सहन करने लायक नहीं था, क्योंकि तंतारा हमेशा उनकी मदद करता था और वही लोग जो है उसके खिलाफ बोलने लग गए थे। और वामीरो जो है अभी भी रो रही थी। तंतारा इससे और भी गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसे एक तो अपने विवाह की जो निषेध परंपरा है, निषेध होता है जो ना किया जा सके, ऐसी जो परंपरा थी उस पे क्षोभ था, क्षोभ होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो वामीरों से परंपरा के अनुसार विवाह नहीं कर सकता था, इसलिए वो एक बात पर इस पर गुस्सा था। और वहीं पर दूसरी अपनी असहायता पर खीज थी उसे, खीज होता है चिढ़, यानी वो वामीरों को नहीं चुप करा पा रहा था, लोगों को नहीं समझा पा रहा था, इसलिए जो है वो चिढ़ भी गया था और उसे गुस्सा भी था, इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से से भर गया था। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था, उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा, क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। वामीरो का जो दुख था, वामीरो जो रोए जा रही थी, वो तंतारा के गुस्से को और गहरा कर रहा था, और ज़्यादा बढ़ा रहा था। उसे ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। अनायास, अनायास होता है अचानक, अचानक जो है उसका हाथ उसके तलवार के मूठ पर, मूठ होता है जो उसकी जो तलवार है उसका जो हैंडल होता है जहाँ से तलवार को पकड़ा जाता है, उस तलवार के हैंडल पर जा टिका। अब गुस्से में उसने तलवार निकाल ली और कुछ सोचने लगा। उसका जो गुस्सा था वो अग्नि की तरह बढ़ रहा था, जैसे आग होती है, छोटी सी आग जो है फिर धीरे 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 बढ़ती जाती है, उसी तरह से उसका जो क्रोध है, उसका जो गुस्सा है, वो भी बढ़ता ही जा रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में खोप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। अब लोग सहम उठे। लोग क्यों सहम गए थे, क्यों डर गए थे? क्योंकि सभी मानते थे कि जो तंतारा है, उसकी जो तलवार है, उसमें अद्भुत दैवीय शक्तियां हैं। जब तंतारा ने वो तलवार निकाली तो सभी जगह जो है सन्नाटा सा खिंच गया, वहां पर सब जो है चुपचाप हो गए।
और जब उसे कोई राह नहीं सूझी, जब तंतारा को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, तो अपने क्रोध को, तो अपने गुस्से को शांत करने के लिए, शमन होता है शांत करना, तो अपने गुस्से को शांत करने के लिए उसने अपनी पूरी शक्ति से, शक्ति भर होता है पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से उसने उस तलवार को धरती में खोंप दिया। खोंप दिया होता है गाड़ना, यानी उसने पूरी शक्ति से जो है अपनी तलवार को धरती में गाड़ दिया और फिर अपनी पूरी ताकत से जो है उसे खींचने लगा। वह जो है पसीने से नहाने लग गया था, सब घबरा गए थे कि अब क्या होने वाला है। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था, अचानक जहां तक लकीर खींच गई वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने वाली हो। अब जो तंतारा है वो जब तलवार को अपनी ओर खींच रहा था, तो इस तरह अपनी ओर खींचते खींचते जो है वो बहुत दूर तक चला गया था। अब वो हाँफ रहा था, उसकी जो सांसें हैं वो चढ़ रही थी, और अचानक से जहाँ तक उसने वो लकीर खींची थी, जहाँ तक वो खींचते खींचते चला गया था, वहाँ तक जो है एक दरार होने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि मानो जो धरती है वो दो टुकड़ों में बंटने वाली हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तंतारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल उठे। अब वहां पर एक गड़गड़ाहट सी हो रही थी, एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और जो लकीर की सीध है जहां तक तंतारा उस सीध को खींचता जा रहा था, वहां तक जो है धरती फटती ही जा रही थी। वो लकीर जो है धरती को बांट रही थी और द्वीप के अंतिम सिरे तक जो है तंतारा पहुंच गया था उस लकीर को खींचते हुए। वहां तक ऐसा लग रहा था मानो तंतारा जो है अपने गुस्से में जो है धरती को काटता जा रहा है। सभी जो है भयाकुल होता है भय से कांपने लगे। सभी जो है पहली बार तंतारा को उस तलवार का उपयोग करते हुए देख रहे थे और इस तरह से वे देख रहे थे कि वो धरती को काट रहा है, तो जो उनकी अद्वितीय दैविक शक्ति की बात थी वो उन्हें सच होती हुई मालूम हो रही थी और वो डर के कारण कांप रहे थे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी, वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, तंतारा तंतारा तंतारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। अब जो लोग हैं उन्होंने ऐसे दृश्य की कल्पना बिल्कुल नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, वो सिहर उठे। वे सिहर ना होता है डर जाना, वे बहुत ज़्यादा डर गए। और उधर जो है वामीरो फटती हुई जो धरती है, जब धरती दो टुकड़ों में बंट रही थी तो उस धरती के किनारे पर चीखती हुई दौड़ रही थी, तंतारा को पुकारते हुए दौड़ रही थी। और उसकी जो करुण चीख है, करुण चीख होती है दया से भरी हुई पुकार, जो उसकी वो दया से भरी हुई पुकार थी, वो ऐसा लग रहा था मानो गड़गड़ाहट जो हो रही थी धरती के फटने से उसमें कहीं डूब गई हो। यानी वो चीख किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जो वामीरो है वो लगातार तंतारा को आवाज़ देती हुई उस धरती के किनारे दौड़ी चली जा रही थी। तंतारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चीरता वह जैसे ही अंतिम छोर तक पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ तंतारा था, दूसरी तरफ वामीरो। अब जो तंतारा है वो दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश होता है बदकिस्मती से, दूसरी तरफ था। यानी वो जो लकीर को खींचता हुआ जा रहा था, वामीरो एक तरफ थी और बदकिस्मती से जो तंतारा है वो दूसरी तरफ था। तंतारा जो है जब द्वीप को चीरता हुआ अंतिम छोर तक पहुंचा, तब तक जो द्वीप है वो दो टुकड़ों में विभक्त हो गया था। विभक्त होता है अलग हो जाना, तब तक जो द्वीप है वो दो टुकड़ों में अलग अलग हो गया था। अब एक तरफ तंतारा था और द्वीप के दूसरी तरफ जो है वामीरो थी। तंतारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप जो है समुद्र में धंसने लगा है। वह झटपटाने लगा, उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, परंतु पकड़ ढीली पड़ गई। अब अभी तक तो तंतारा बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन जैसे ही तंतारा को होश आया, अपना गुस्सा जैसे ही उसका शांत हुआ, उसने देखा कि जो उसका वाला द्वीप है, यानी जिस तरफ वामीरो है वो द्वीप तो वहीं है, लेकिन जो तंतारा वाली साइड का द्वीप है वो जो है समुद्र में धंसने लग गया है। वो झटपटाने लगा, झटपटाने होता है तड़फने, वो तड़फने लग गया
और उसने छलांग लगाकर जो है वामीरो वाला जो द्वीप है उस द्वीप का सिरा पकड़ना चाहा, थामना चाहा, लेकिन उसकी जो पकड़ है वो ढीली पड़ गई, यानी वो उस सिरे को नहीं पकड़ पाया। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा, वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो 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 वामीरो। उधर वामीरो भी तंतारा 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 पुकार रही थी। अब जब वो उस द्वीप को पकड़ने में असक्षम रहा, यानी जब जो है तंतारा वामीरो वाले द्वीप को नहीं पकड़ पाया, जब उसकी पकड़ जो है ढीली पड़ गई, तो वो लगातार जो है नीचे की तरफ फिसल रहा था, लगातार जो है वो समुद्र की तरफ जा रहा था, फिसल रहा था, और उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख निकल रही थी, वो वामीरो को पुकारता जा रहा था, और उधर वामीरो भी जो है तंतारा को ही पुकार रही थी। तंतारा लहूलुहान हो चुका था, वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोग वंश जुड़ा था। अब जो तंतारा है वो इतनी मेहनत के बाद लहूलुहान हो चुका था, मतलब वो पूरा खून से लथपथ हो चुका था, और वह अचेत, अचेत होता है बेहोश, वो बेहोश होने लगा था, और कुछ देर बाद वो बेहोश हो भी गया और उसे कोई होश ही नहीं रहा। और वो कटे हुए द्वीप का जो अंतिम भूखंड, भूखंड होता है भूमि का टुकड़ा, यानी जो दो द्वीप बंट गए थे वो दूसरे द्वीप का एक छोटे से भूमि के टुकड़े पर पड़ा हुआ था, जो संयोग से, संयोग वंश होता है, जो इत्तेफाक से जो है उस दूसरे द्वीप के थोड़े से हिस्से से जुड़ा हुआ था। बहता हुआ तंतारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। उधर वामीरो पागल हो उठी। अब उस द्वीप के साथ, उस भूमि के टुकड़े के साथ तंतारा कहाँ बहता हुआ गया, उसके बाद तंतारा का क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता था। और इधर वामीरो जो है वो तंतारा के बिना जो है वो पागल हो गई थी। वह हर समय तंतारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई सुराग नहीं मिला। अब जो वामीरो है वो हर समय जो है तंतारा को ही खोजती रहती थी, और उसको खोजते खोजते जो है वो उसी जगह पर पहुंच जाती थी जहां पर तंतारा और वामीरो मिला करते थे, और वहां पर वो घंटों जो है बैठी रहती थी। वामीरो ने खाना पीना भी छोड़ दिया था, और अपने परिवार से वो एक तरह से विलग होता है, अलग हो गई थी। लोगों ने जो है तंतारा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, यानी सुराग होता है चिन्ह, उन्हें तंतारा का कोई भी चिन्ह नहीं मिला जिससे वो तंतारा को ढूंढ सकें। आज ना तंतारा है और ना वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि तंतारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। अब आज के समय में ना तो तंतारा है और ना ही वामीरो है, किंतु उनकी जो ये प्रेम कथा है वो आज भी जो है निकोबार के घर घर में सुनाई जाती है। और निकोबारियों का मत है कि जो तंतारा की तलवार से कार निकोबार के जो दो टुकड़े हुए थे उनमें से जो दूसरा टुकड़ा था वही आज जो है लिटिल अंडमान के नाम से जाना जाता है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी विवाहिक संबंध करने लगे। तंतारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। इस घटना के बाद, किस घटना के बाद, तंतारा और वामीरो के वियोग की जो दुखद घटना थी, उस घटना के बाद जो है जो निकोबार के निवासी थे वे दूसरे गांव से भी आपसी जो वैवाहिक संबंध है वो बनाने लगे, यानी एक गांव से दूसरे गांव में जो है विवाह जो है वो संपन्न होने लगे। तो माना जाता है कि जो तंतारा और वामीरो की ये त्यागमयी मृत्यु थी वो शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी, यानी वो शायद इसीलिए थी कि जो गांव के लोग हैं वो एक दूसरे गांव में भी विवाहिक संबंध बनाए, एक दूसरे को जाने पहचाने। इस कथा के द्वारा जो है हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है, वो सीख ये है कि परंपरा जो है वो अच्छी होती है, रीति रिवाज अच्छे होते हैं, किंतु समय के साथ साथ कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिन्हें तोड़ देना ही सही होता है, या जिन्हें बदल देना जो है सही होता है दूसरे सभी लोगों की भलाई के लिए।
आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी, और आपको इस कहानी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे अपने भाषा में, अपने सरल शब्दों में आसानी से व्यक्त कर पाएंगे। धन्यवाद।